Hey guys, welcome back to the new video. तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं पोकेबॉल से जुड़े कुछ चीजें. क्या तुम लोगों को पता है लिटरली जैसी कुछ वक्त के लिए पोकेबॉल के ऑलमोस्ट अंदर चली गई थी. एंड या ये बीम जो है ना बहुत ही कमाल की चीज है जो कि पोकेबॉल से निकलती है. तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कैसे एक पॉलीगॉन जो है एक पोकेबॉल से कनेक्टेड है एंड आखिरकार क्यों जैसी पोकेबॉल के ऑलमोस्ट अंदर चली जा चुकी थी. तो ये चीज़ सुनने में काफ़ी अजीब लगेगी तुम्हें डेफिनेटली, बट इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो है, तभी तो इसके पीछे कमाल की थ्योरी लेकर मैं तुम्हारे सामने आया हूँ. तो चलो आज की इस वीडियो में हम लोग ये थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है और किस तरीके से जैसी उसके ऑलमोस्ट अंदर जा चुकी है और क्या हुआ था कि पॉलीगॉन पोकेबॉल से कनेक्टेड है. एंड यस, जरूर से लाइक और सब्सक्राइब किया करो. तुम्हें नहीं पता लेकिन सही में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है, तो कर दिया करो यार अगर तुम्हें पसंद आता है तो. सो या लेट्स जंप इनटू इट लाइक मैजिक अप. तो चलो देखते हैं आज की इस वीडियो की शुरुआत कैसे कर सकते हैं हम लोग. ओके, तो लेट मी थिंक कि हम लोग कैसे कर सकते हैं. तुम लोगों ने पोकेबॉल से उसकी लाइट तो निकलती हुई देखी होगी, राइट? और तुमने ये भी देखा होगा पोकेबॉल पे जब खुलता है ना पोकेबॉल और लाइट जब उसके अंदर जारी होती है तब लाइट हमेशा पोकेबॉल के ऊपर की ओर पॉइंट आउट हो जाती है. ठीक है, इट मीन्स जो पोकेबॉल है ना उसके ऊपर वाले हिस्से से बेसिकली वो बीम निकलती है. तो जब मैंने इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखा तब मुझे पता चला कि उस जगह को कुछ पावर सेल ऐसा कुछ कहते हैं पोकेबॉल के अंदर. तुम्हें इसके डायग्राम वगैरह भी मिल जाएंगे गूगल के अंदर. तो या इस ग्रीन पोर्शन को पावर जेम ऐसे ही कुछ कहते हैं. रिसर्च देख रहे हो मेरी हैं? तो हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही कुछ बात करने वाले हैं. एंड डू यू नो व्हाट, ये बीम जो है ना ये रेडियो एक्टिव रेज है. डेफिनेटली तुम्हें पता होगा कि रेडियो एक्टिव रेज जो होते हैं ब्लू, रेड, वाइट ऐसे कलर्स में आती हैं. एंड यू नो व्हाट, पोकेबॉल से भी ऐसे ही कलर के रेज निकलते हैं. भाई साहब लग रहा है आज तो पोकेबॉल के सारे मतलब पता नहीं क्या क्या डिटेल्स खोल दूंगा, बट वो सब देखते हैं. चलो देखते हैं अब क्या बात करने वाला हूँ मैं. तो देखो यार, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग इसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जो बीम है वो लाइट की, वो रेडियो एक्टिव रेज है और उसने जेसी को ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोक्यूट कर दिया था एंड ऑलमोस्ट वो पोकेबॉल के अंदर जाते जाते बची है, उसके साथ हादसा हो जाता. मे बी उस पोकेबॉल के साथ कुछ गलती होगी. तुमने देखा होगा जब पोकेबॉल के अंदर पोकेबॉल जाता है ना तब उसके साथ काफ़ी अजीब सी चीज़ होती है. मतलब वो मास से एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. एंड ये चीज़ अपने रियल वर्ल्ड में न्यूक्लियर बॉम्ब में भी होती है. अगर तुम मास को कन्वर्ट करते हो एनर्जी में तो ये दोनों केसेस तुम लोग को न्यूक्लियर बॉम्ब एंड पोकेबॉल के अंदर भी देखने मिलती है. पर दिमाग में मेरे एक और चीज़ आया कि फिर इसके अंदर इतनी ज़्यादा अनलिमिटेड एनर्जी कैसे आती, क्योंकि पोकेमॉन ट्रेनर तो बार बार पोकेबॉल खोलते हैं, बंद करते हैं, अनलिमिटेड टाइम्स उसको रिलीज करते हैं, राइट? तो फिर दिमाग में आया कि हाँ, पॉलीगॉन इसके पीछे का राज हो सकता है. तो चलो मैं बताता हूँ कि पॉलीगॉन क्या है, इसके पीछे का सीक्रेट और कैसे पोकेबॉल से कनेक्टेड है. तो लेट मी टेल यू, इसके पीछे कुछ पॉसिबिलिटी है. तो बेसिकली दो पॉसिबिलिटी है जो कि मैं तुम्हें बताता हूँ. ठीक है, पोकेबॉल और पॉलीगॉन का दोनों का ही इन्वेंशन साथ में हुआ है. ऑलमोस्ट लाइक एक साल का फर्क है या वो भी नहीं. और क्या तुम्हें पता है कि जो पॉलीगॉन है ना वो साइबर स्पेस में रहता है, मतलब कंप्यूटर, पोकेबॉल, पोकेमॉन पीसीस इन सब के अंदर रहता है. ठीक है, तुमको पता होगा अगर तुमने पोकेमॉन ट्रेनर्स का कभी पोकेबॉक्स देखा होगा जहाँ पे वो लोग पोकेमॉन रखते हैं, वो भी काइंड ऑफ पोकेबॉल जैसा ही है. ठीक है, तो वहाँ पे भी यही सिस्टम है. एंड तुम्हें पता होगा कि उस एपिसोड के अंदर जो कि बैन हो गया है डेफिनेटली तुम्हें पता होगा, उसके अंदर पॉलीगॉन उस पीसी के अंदर रहता था जिसने उस एपिसोड के अंदर एश कैचम को भी उस पीसी के अंदर ट्रांसपोर्ट किया है. क्या तुम्हें पता है कि पॉलीगॉन के पावर से तुम किसी मास को किसी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो? जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि हाँ, ये सेम तरीका यूज़ करके शायद से पॉलीगॉन भी यही चीज़ किया होगा. एंड मे बी जो सेम चीज़ उसने एश कैचम और उसकी टीम के साथ की पीसी के अंदर लाने के लिए, वही पॉलीगॉन किसी पोकेमॉन के साथ भी कर सकता है. और एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मे बी उन्होंने या तो उसकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके पोकेबॉल का बीम डिज़ाइन किया होगा. और एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, सुनो ध्यान से, ठीक है, मे बी उन्होंने पॉलीगॉन को ही पोकेबॉल के अंदर भेज दिया होगा. ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि पोकेमॉन पीसीज के अंदर जैसे कि पिछली बार पॉलीगॉन को भेजा गया था, सो इट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि दिस टाइम उन्होंने पॉलीगॉन को पोकेबॉल के अंदर रखा. क्योंकि ऑफकोर्स पॉलीगॉन बैन पोकेमॉन है तो उसको वो लोग ओपनली तो नहीं रख सकते क्योंकि केसेस वेसेस चार्ज हो सकते हैं. तो अब तुम समझ रहे हो ना. तो देखो, अब वो पोकेबॉल के अंदर रह के क्या करता है, वो अपनी लाइट बीम छोड़ता है जिसका काम मैंने जैसे तुम्हें बताया कि पॉलीगॉन की पावर है कि वो किसी मास को किसी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकता है. ठीक है, और यही चीज़ तो पोकेबॉल के साथ भी होती है ना, जब वो पोकेबॉल के अंदर जाता है
तो या आज की वीडियो के लिए बस हम लोग इतना ही कुछ रखते हैं, एंड लेट मी नो योर ओपिनियन यार, तुम लोग कमेंट बॉक्स के अंदर अपने ओपिनियन जरूर बताना, तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में, कि मुझे तुम्हारे ओपिनियन जानने में काफ़ी मज़ा आता है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस हैं और आगे भी आएंगे, क्योंकि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले यार। एंड प्लीज़ यार, एक बार कमेंट बॉक्स में RIP जैसी हो जाए यार, ऑलमोस्ट वो बच गई भाई, पोकेबॉल के अंदर जाने वाली थी वो। तो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपने ओपिनियंस जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना। या तो आज का पोकेगोस तुम्हारे सामने एंड पोकेगोस विनर्स भी, तो सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन पीस आउट।